नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। खबर बलिया से है, जहां पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियरों और ठेकेदारों के बीच महाभारत छिड़ी हुई है। अभियंता और ठेकेदारों के बीच छिड़ी इस जंग में हर रोज नए नए दांव सामने आ रहे हैं। मामला बलिया लोक निर्माण विभाग का है। विभाग में तैनात जेई विजय प्रताप ने 17 अक्टूबर को कुछ दबंग ठेकेदारों पर दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया। जेई ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस और विभाग के आला अफसरों से की। पुलिस कई दिन मामले को लेकर स्थिर बनी रही। बाद में अभियंताओं के लामबंद होने पर पुलिस ने 3 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया। आप सुरक्षा दे पाएंगे तो दीजिए, वापस होगा। आप सुरक्षा दे पाएंगे, इसकी गारंटी दे पाएंगे कि नहीं कुछ नहीं होगा? हाँ, दे देंगे। क्यों आपका परिवार आपको तो खड़ा ही होना पड़ेगा। पीछे हम आते हैं, पीछे क्या हमको करना है? सुरक्षा का माहौल बनाया गया है। माहौल बन जाएगा। देखिए सर, आप ही के पास कॉल आके वो ऐसा कर रहा है, बताया होगा ना, वो नहीं जाएगा। इसका तो मुझे नहीं संज्ञान में है, बट मीडिया या लोगों के द्वारा इधर उधर की बहुत सारी सूचनाएं मिल रही हैं कि आपके खिलाफ ये डाला गया, तो ये तो हमें भी समझ में आता है। ये सामान्य सी बात है कि भाई इनके साथ, विजय जी के साथ घटना हुई है और मैं जनपद का अध्यक्ष हूँ और इसको लीड कर रहा हूँ, फ्रंट में हूँ मैं, तो निश्चित रूप से हमको और इनको टारगेट किया जाएगा, संघ को। बट ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, मैं इसे नहीं कर जरा सा भी हतोत्साहित नहीं होता, बल्कि मुझे और बल ही मिल रहा है। इससे कम से कम शासन प्रशासन ऊपर तक, लखनऊ तक सरकार के पास ये मैसेज तो जाएगा ना कि आखिर बलिया के पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर्स हैं वो किस परिस्थिति में यहाँ पर कैसे सरकार का काम कर रहे हैं। उनकी जो भी योजनाएं इसमें बहुत ही गड्ढा मुक्ति या ये चल रही है, उसमें हम लोग दिन भर दौड़ते रहते हैं, अकेले रहते हैं, डर का माहौल है भाई। तो अब भविष्य समय में हमारी रक्षा कौन करेगा? तो हम इसी तरह से बैठ सकते हैं। अपना एक नाम और पर्चे बता दें जी। मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है और मैं जूनियर इंजीनियर हूँ, निर्माण खंड बलिया में कार्यरत हूँ और वर्तमान में मैं जनपद अध्यक्ष लोक निर्माण विभाग। क्या मामला है, किस मांग को लेकर आप लोग अभी? ये है कि हमारे बगल में ये विजय जी बैठे हुए, जो हमारे भाई हैं, इनके साथ दिनांक 17 तारीख को लगभग 4:30 बजे किसी कार्यालय में किसी कंप्यूटर कक्ष में कुछ 3-4 लोग, जो जिनका नाम है रविंदर सिंह परिथरा, सुधा और एक और क्या नाम था, रणजी यादव, इन लोगों ने इनके साथ मारपीट की है, गाली गलौज दिया है। इनका चूंकि ये शेड्यूल कास्ट के हैं तो इनको जाति सूचक पत्र से इनका अपमान भी किया गया है और इनसे सरकारी कागज जो वगैरह भी थे वहाँ पे मतलब फाड़ फूट करके सबके की। इस संबंध में इनके द्वारा कोतवाली में हम लोगों के साथ जाके इसमें तहरीर भी दी गई है। 2-3 दिन तक तहरीर पे मुकदमा नहीं लिखा गया तो हमारे चीफ साहब आए, वो एस सी साहब को साथ में लेकर के डीएम साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ और COCT से मुलाकात की। इसका परिणाम ये रहा कि FIR तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन जैसा कि ऐसा संज्ञान में आ रहा है कि अभी तक किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है। पुलिस का ऐसा कहना है कि ऐसी कोई सुसंगत धारा नहीं लगाई गई है जिससे कि इनकी FIR मतलब जो इन अराजक तत्व थे उनकी गिरफ्तारी है। तो हमें भी ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर क्या सरकारी कर्मचारी को कार्यालय में घुस करके मारा जाए, गाली दिया जाए, सरकारी कागज फाड़ दिया जाए, तो क्या ऐसी कोई धारा नहीं बनती है इस सरकार में या नियम कानून में नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी हो सके?
तो क्या इसको लेकर आपने किसी अधिकारी या और लोगों से बात? हाँ, इस संबंध में तो हम लोग वही तो आपको जैसा भी मैंने पूर्व में बताया कि चीफ साहब आए थे, वार्ता हुई होगी तभी तो चीफ साहब आए थे, आए हैं। इसके बाद हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया कि 2-3 दिन में कुछ ऐसा परिणाम आएगा जिससे हमारे सम्मान की रक्षा हो सकेगी, हमारे भाई के अपमान का मतलब उनको भी जो भी सम्मान हमें मिलना चाहिए वो मिल जाएगा, बट ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए ये घटना 17 तारीख की है, 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर को जब ये घटना होगी जी, तो उस बीच में 31 अक्टूबर तक इस घटना का पटाक्षेप क्यों नहीं कराया गया? क्यों नहीं पटाक्षेप कराया गया? 17 तारीख को हुआ और हमने लिखित तहरीर दी उसी दिन। इसके बाद 2 दिन तक 3 नवंबर को बलिया में आने का प्रोग्राम तय जी, और जब 3 नवंबर को प्रोग्राम तय हो गया तो 1 तारीख को अचानक धरने पर बैठ जाना, धरना बैठना तो संघ की, मैं इस तरह से देखता हूँ कि संघ का जो धरने पर बैठना एक अपनी मजबूरी होती है। जब हमारी बातें क्योंकि उच्च अधिकारियों के द्वारा चाहे प्रशासन पुलिस के द्वारा ये कहा गया कि भाई उन पर भरोसा रखा जाए और कुछ दिन तक कार्य होगा, फिर इधर की 3-4 दिन त्योहार का भी माहौल था। यानी कि आप लोग ये बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं? निश्चित रूप से हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं इसी के माध्यम से अपने धरने के सदस्यों से, बट शांतिपूर्वक हमारा मैसेज है क्योंकि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं। हमने लिखित सबको सूचना DM साहब को, SP साहब को, अपने उच्चाधिकारियों को दिया है कि चूँकि हमारे साथ अब अन्याय हो रहा है, हम चूँकि सरकारी कर्मचारी हैं, बाहरी व्यक्ति हैं, हम किसी गुंडा तो हैं नहीं किसी तरह का, किसी तरह का बलवा क्रिएट करेंगे, हम शांतिपूर्वक अपना जो भी मैसेज देना होगा धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना मैसेज दे रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो क्या इस दौरान उनके द्वारा कुछ धमकी या कुछ इस तरह का भी? धमकियाँ तो बहुत सारी मिलती रहती हैं क्योंकि अगर हम संगठन चला रहे हैं और हमारे भाई हैं ऐसे लोग हैं तो निश्चित रूप से धमकियाँ मिलती हैं, बट उन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डरना नहीं है, संघ है, हम सब लोग। कब तक ही आप लोगों का प्रदर्शन चलेगा? ये प्रदर्शन देखिए लगातार चलेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होकर उचित कार्यवाही नहीं होती, ये धरना तब तक चलेगा। अभी देखा जा रहा है कि आप लोग भी मैंने मार खा गए सब चीफ साहब आए, आप लोगों की एकदम बात करें, आप लोग कहें कि एस्टीमेट बनाइए, हम लोगों ने बनाया या नहीं बनाया? आप कहाँ हैं जब आपके चीफ की ही बात पे नहीं कोई कार्रवाई हुई, तो आप कहाँ हैं, आप कहाँ टिक रहे हैं सर? सब लेकिन इंजीनियर वाइड नल एंड वाइड नहीं समय है, बट हम लोगों के पास अपने पास कोई ऐसा अतिरिक्त बल तो है नहीं, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास एक ही शक्ति है वो है संगठन, बस यही शक्ति के सिवा मेरे पास कोई शक्ति है। क्या प्रशासन ने किया? आप तो मार्ग मौजूद थे, DM के पास दौड़े, कहाँ कहाँ नहीं दौड़े? वो हमको इग्नोर करके चले, आपको फैक्ट बता दें, अगर वो साथ में चले होते तो देखिए कोई ना कोई एक्शन हो जाता। जो एक हम लोग साथ में है ना, आप बस कुछ करा दी, हम लोग आपके साथ लग गया सर, चल लेना सर, आपके निर्देश आपके साथ नहीं है? नहीं, साइड करके चल रहे थे आप, आपके साथ चलने के कारण ही हम लोग 15 दिन नहीं आए हैं। हाँ एकदम 15 दिन मतलब लग गया ना सर, आपने आश्वासन दिया सर, आप ही लोग आश्वासन दिया, नहीं हुआ है कोई बात नहीं, उसमें भी 15 दिन हो गया, हम लोग फिर आके आ रहे तब तक काम नहीं रोके।
अभी भी तुम्हारा काम मत रोको सर, ऐसा तो चलता रहेगा। फिलहाल हम लोग कौन नहीं आपका बार बार मारेगा सर, बार मार रहा है आपके पास मार देगा। ऐसे ही मारा है, ऐसे ही मारा है, हम समाधान करा देने के क्या हुआ करके ऐसे ही मारा है। किसी बात पे मारपीट नहीं होती है, किसी बात पे तो सही है। तो नहीं बताना, भाई भाई साथ आते हमारा हो जाता है तो उनको तो सारा ही नहीं होता है। अरे क्या जानते हैं, मेरे काम में है।